कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, यहाँ मॉर्निंग हो गई थी और आज मैं बना रही थी सब्जी का पराठा। तो ये देखिए, सब्जी हमारी बिल्कुल ही फिनिश हो गई, थोड़ी सी सब्जी रह गई थी। तो मैंने कहा कि इसका पराठा बना के दे देती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरी सब्जी निकाल रही हूँ। ये गाजर, आलू, मेथी और मटर की सब्जी थी। तो हम लोग ने खा ली, जो बच जाती है ना, तो फिर दूसरे दिन मैं सुबह क्या करती हूँ, इसका पराठा बना लेती हूँ। अब मैंने इसको कुचल देना है, क्योंकि पराठे में डालूँगी ना तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए सारा मटर, वरना बहुत साबुत साबुत आएंगे। प्रेस करूँगी ना तो ये सब कुचल जाएगा। अच्छे से देखिए मैश हो गई, अभी मटर नहीं हुए, थोड़े से और हो जाए। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार थी। और जब सीज़न की सब्जी होती है ना, तो वो और भी मज़े की लगती है। गाजर, मटर, ये सीज़न के ना इस वक्त सब्जियाँ इतने मज़े की बन रही हैं और बड़ी ही टेस्टफुल वाली सब्जियाँ हैं। सीज़न वाली सब्जियाँ जब आप पकाओ ना उसमें, तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से कुचल दिया पूरा। कुछ मटर जो है ना वो साबुत हैं, अब इनको फिर कर देती हूँ। और आज काफ़ी दिन के बाद, पूरे वीक के बाद हानी जो है वो सिपारा पढ़ने के लिए जाएंगी। और आज मेरे ख्याल से 9 नवंबर, तो स्कूल डे, स्कूल तो शायद ऑफ था इनका, बट मैंने नहीं भेजा, मुझे पता नहीं, 9 नवंबर की वजह से मैंने कहा छुट्टी होगी। कल से इंशाल्लाह हानी जो है स्कूल भी जाएंगी और आज से सिपारा भी। ट्यूशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मंडे से टीचर आने लग गई थी, क्योंकि स्कूल का वर्क काफ़ी सारा जमा हो गया है तो वो करना है ना उनको। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने कितना कुचल दिया वेजिटेबल को, सारा कचूमर बना दिया उनका, स्टिकर बन गया। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो पराठे में डालूँगी ना इसको भरना है तो इसलिए। देखिए मेरी बास्केट को कैसे बर्फ़ लग गई है, पता नहीं क्यों, वो ठंडा सीज़न आ गया ना तो मिर्चों को भी बर्फ़ लग गई है, सब ठंडी बर्फ़ हो रही है। अब मैं उसको ना कम करूँगी फ्रिज को अपने। अच्छा, मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें कट करके। देखिए मैंने हरी मिर्चें भी वो काट ली थी और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी ऐसे, और चटपटा सा हो जाएगा पराठा, ज़रा मज़े का बनेगा। नमक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और हमारे यहाँ जब भी कोई मिक्स वेजिटेबल्स हैं या फिर गोभी है, गोभी आलू बनता है वो, या कोई भी ऐसी सब्जी बनती है ना, तो उसके मैं ज़रूर पराठा बना देती हूँ सुबह में ना। हमारे यहाँ शॉप से खाया जाता है, मैं और हानी नहीं खाते, बस ये लोग खाते हैं, मैं और हानी नहीं खाते। अच्छा, मैं बनाना बताऊँगी किस तरह से मैं बना रही हूँ। साथ ही मैं हानी को भी उठा रही थी, हानी उठी नहीं है, क्योंकि हानी जो है ना मेडिसिन ले रही है नज़ले खांसी की, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो देर तक सो रही है आजकल। नज़ले खांसी जो मेडिसिन में होता है ना नशा। मैंने यहाँ ना दो छोटे छोटे पेड़े बना लिए, ठीक है। अब डबल पराठा बनाना है ना, तो मैं पराठा बनाती हूँ। देखिए, मैंने एक पेड़ा, एक रोटी का ये बनाया हुआ है, अब इसके ऊपर मैं वेजिटेबल रखूँगी। अच्छा, मैंने पराठे को ना घी भी कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी वेजिटेबल में भी घी होता है, और अभी ये ठंडी थी, जब ये गर्म होगी तो इसका खुद भी घी निकलेगा। इस तरह इसके ऊपर ये दूसरा पराठा रख देना है बना हुआ। ये देखिए मैंने पराठा जो सेक लिया, बड़ा शौक से सेकना होता है कि खुले नहीं ना, और ऑयल में बहुत कम डालूंगी इसके अंदर। तो मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ, देखिए इसमें कितना है। बहुत ही यम्मी लगता है ये पराठा है। फिर तो मैं अपने लिए और हानी के लिए ये एक पराठा बना रही हूँ, मैं और हानी इसी में खाएंगे, और हम लोग अपने लिए ना सादा, मैं अपने लिए सादा बना रही हूँ, अपने और आने के लिए। बस हमारा एक पराठा बहुत है, और रात हमने बनाया था स्टू, हानी खाएगी स्टू के साथ, और मैं तो एग लूँगी, मुझे तो सालन वालन पसंद नहीं है, बट हानी जो है ना वो खाती है, उसको देसी अच्छा लगता है नाश्ते में ना, वो खाती है सालन और राइस मिल जाए उसे, या रोटी। पराठा बहुत मुश्किल से खाती है, अभी रोएगी पराठा खाने में, बट ये कि मैं उसे खिलाऊँगी आज पराठा, रोटी नहीं बनाई मैंने उसके लिए।
क्लीनिंग जो मैंने कहा स्टार्ट हो गई है। मैंने जितने भी घर के फ्लावर्स हैं ना वो सब डाल दिए हैं, देखिए मैं बाल्टी में सब जगह। अब ये सारे वॉश होंगे। डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, घर बहुत डस्टी हो रहा है और वेदर भी इतना डस्ट वाला है ना, तो देखिए अब स्टार्ट हुई हुई है। जैसे करती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी की वजह से ना एकदम मुझे कफ होना शुरू हो जाता है, इसीलिए ना मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि ना सांस का प्रॉब्लम भी ना हो कुछ ऐसा ना डस्ट से। अच्छा ये जो प्लांट था ना ये फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था और इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। ये ना वो कुछ ऐसे वुड टाइप का बना हुआ है, मैं इसको ना डिप करके नहीं रख सकती थी, ये इसके अंदर ही ना फिक्स हुए हुआ है, तो मैं इसको ग्रीन ग्रीन सा कुछ डाला हुआ था, मुझे नहीं पता क्या था वो, बट उन्होंने ऐसे कवर किया हुआ था। अगर मैं ऐसे करती ना तो वो पानी में डिप करती ना ख़राब हो जाता, तो मैंने कहा हमें के ऊपर की सफाई कर रहे थे, बहुत डस्ट हो गई थी पीछे ना मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे और ये सब मैंने रखे हुए इस तरीके से ना, तो ये सब बड़े गंदे हो रहे थे, बहुत डस्टी हो रहे थे, तो बस अब क्लीन हो गए सारे। अभी ये वाले फ्लावर्स हैं ये सब क्लीन करने हैं, यहाँ सब उतार दिया है मैंने अभी फ्लावर्स अपने ना। अच्छा मैं यहाँ पे जो ना हनी का टॉय कबर्ड जो था ना वो इतना मेस कर दिया था हनी ने, तो वो टॉय कबर्ड की क्लीनेंस हो रही थी। हनी को मैं कही थी हनी के डस्ट साफ करो सारा, तो मैं हनी को भी बैठा लगा था कि हनी आप भी करो ताकि उनको भी करना है अपनी चीज़ों को क्लीन, अगर वो भी करेंगे तो उनको करना आएगा, वरना फिर बच्चों में ये चीज़ सेंस नहीं होता, मैंने देखा है उनको बस मैनर्स ही नहीं होते हैं किसी चीज़ के ना, तो बस इनको करवाना पड़ता है। बच्चों को शुरू से एक आदत देखती है ना और उसको पता है मम्मी की आदत है कि बिल्कुल क्लीन हो हर चीज़, और वैसे हनी की भी आदत है कि हर चीज़ को अपना क्लीन करके रखती है, जैसे कोई भी डस्टी चीज़ होती है कुछ ऐसी होती है ना उसको नहीं लेती, क्योंकि उसने शुरू से देखा है ना कि डस्ट वाली चीज़ नहीं लेना ये नहीं करना, तो वो इन सब चीज़ों को भी वो करती है। और फिर मैं कहती हूँ इनकी भी आदत हो जाए, अच्छा है ये भी करना, ये देखिए इन्होंने मेरे साथ मिलकर अपना पूरा टॉय की जो कबर्ड है अलमारी वो पूरी क्लीन करवाई है, अब हम दूसरा काम करेंगे। किचन का काम बस आज घर के काम में इतनी बिजी थी कि खाना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ऐसे चिकन डाल के राइस बना लिए और अब मैं इसको लगा रही हूँ दम पे, और साथ ही मैंने बना लिए साथ ही, और ये है मसाला जो होता है दही वो। अरे जितने भी घर के फ्लावर्स हैं ना सब वॉश करके रखे हैं सारे, और थोड़ा बाहर रख दिए थे ताकि ड्राई हो जाएं, अब ये जैसे ही हो जाएंगे ड्राई तो फिर ये देखें मैंने बाहर से लाके रख दिया था, रात हो गई ना तो मैंने कहा चलो सुबह इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी। अभी एक अब मैं देखती हूँ अगर जो ड्राई हो जाएंगे तो वो लगा दूंगी, जो नए होंगे तो वो रहने दूंगी। हनी का गला बेहतर तो हो गया लेकिन मैं फिर भी गर्म पानी में शहद देती हूँ, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, तो इसलिए ना गर्म पानी में शहद दिन में 2 दफ़ा पीती हैं, यानी रात में सोने से पहले और सुबह। हनी हॉट है ना। अच्छा यहाँ पे ना मैं कर रही थी आपको पता है सफाई, तो अभी तो मैंने फ्लावर नहीं लगाया, लगाना शुरू कर रही हूँ मैं, सारा काम करना शुरू कर रही हूँ, तो बस ठीक है अब यहाँ पे मैं वीडियो को करती हूँ एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें ज़रूर प्यार दीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट और लाइक शेयर कर लो। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।